देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जयंती शब्द उचित नहीं है, क्योंकि जयंती उनका उनकी होती है जो इस देह को छोड़ के गोलोक को चले जाते हैं। हमारे हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, और कहा भी गया है कि जो सात चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैश चिरंजीविना। आज भारत भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी, लेकिन क्या जयंती शब्द का उपयोग उचित है जब बात चिरंजीवी हनुमान की आती है? इस गहन विषय पर प्रकाश डालते हुए वृंदावन के पंडित विवेक तांगड़ी से विशेष जानकारी प्राप्त की गई है। देखिए, ये अपभ्रंशित मान्यताएं हैं, बहुत सी चीज़ों में मान्यताएं अपभ्रंशित हो जाती हैं धीरे धीरे कालांतर पे। तो इसी प्रकार से चूँकि हम लोग जनरली ये मानते हैं कि जो प्रत्यक्ष नहीं है तो उसकी जयंती मनाते हैं, तो जैसे बहुत हमारे श्रेष्ठ महापुरुष लोग हैं, जैसे हमारे आदि ऋषि महाकवि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी प्रत्यक्ष नहीं है कि उन्होंने देह को त्यागा था, तो इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। तुलसीदास जी प्रत्यक्ष नहीं है, सशरीर नहीं है, इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं। परंतु हनुमान जी तो प्रत्यक्ष देवता हैं, और वो सशरीर भी हैं और वायु के रूप में भी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण रचनम मारुति नमत रक्षसांतकम। जहाँ जहाँ राम जी की कीर्तन स्मरण होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी आते हैं। तो जब आते हैं और वो हैं चिरंजीवी हैं, तो जयंती किस बात की, उनका तो जन्मोत्सव होता है। पंडित विवेक तांगड़ी के अनुसार हनुमान जी के लिए जन्मोत्सव शब्द का इस्तेमाल ज्यादा सार्थक है, क्योंकि वे अमर हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जयंती आमतौर पर उन महापुरुषों के लिए मनाई जाती है जिनका नश्वर जीवन समाप्त हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जयंती शब्द उचित नहीं है, क्योंकि जयंती उनका उनकी होती है जो इस देह को छोड़ के गोलोक को चले जाते हैं। हमारे हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हनुमान जी भी शामिल हैं। इन चिरंजीवियों के लिए जन्मोत्सव उनकी अजरता और अमरता का प्रतीक है, जबकि जयंती शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं है। 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैश चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी हैं, इसमें हनुमान जी भी हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन विभिन्न मंदिरों में विशेष रूप से पूजन, भजन, कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाता है। भक्त लोग सुबह से रात तक दर्शन के लिए आते हैं और हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। डॉक्टर विवेक तांगड़ी ने बताया कि जयंती शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है जो महापुरुष रहे हैं और जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है और धरती पर अब उनकी मौजूदगी नहीं है। लेकिन हनुमान जी को माँ सीता ने अजर, अमर, अविनाशी का वरदान दे रखा है। वह चिरंजीवी हैं और कलयुग के एकमात्र जागृत देवता हैं। ऐसे में जहाँ जहाँ कलयुग में राम जी का कीर्तन होता है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य मौजूद होते हैं। जब वह उस जगह पर मौजूद होते हैं और चिरंजीवी हैं, तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? हनुमान जी को तो माँ सीता ने ही स्वयं वरदान दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर यानी जो देह है ये कभी वृद्ध ना हो, अमर यानी अमरत्व को प्राप्त हो, कभी जीवन अंत ना हो, और गुणों के खान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो हनुमान जी तो हमारे यहाँ साक्षात कलयुग के मुख्य देवता हैं, कलयुग के आधार हैं। डॉक्टर विवेक ने कहा कि आज हनुमान जी को जन्मोत्सव की बधाई देनी चाहिए, उनको हैप्पी बर्थडे बोलें, उनका आनंद दिवस मनाएं। जयंती शब्द का विरोध वह शुरुआत से करते आए हैं और अभी भी लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं कि चिरंजीवी हनुमान के लिए जयंती शब्द का इस्तेमाल करके अपराध ना करें। तो ऐसे में हनुमान जी की जयंती, और ये मैंने इस संबंध में कई वर्षों से कई माध्यमों से मैं इसका प्रचार भी करता रहता हूँ, अपने मंदिर में भी प्रचार करता रहता हूँ कि जयंती शब्द को कतई ना लगाएं। ये जयंती शब्द हनुमान जी के लिए वर्जित है। क्या होना चाहिए? हनुमान जन्मोत्सव। हमारे हनुमान जी का जन्म का उत्सव है और हम सब लोग उत्सव मनाएं, जयंती नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो हम सब के साथ हैं। और इस संसार में, इस विश्व में जब तक वायु है तब तक हनुमान जी हैं, क्योंकि वो वायु पुत्र हैं, और हमारी आपकी जो श्वास चल रही है, जो जीवन चल रहा है, वो हनुमान जी के कारण ही चल रहा है।
तो निश्चित ही हनुमान जयंती ना कहें। और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आग्रह भी है कि हनुमान जयंती शब्द कह के हनुमान जी को अजरता और अमरता का जो वरदान माँ सीता से प्राप्त है उसको निरर्थक नाक सिद्ध करिए। तो इसलिए हनुमान जन्मोत्सव मनाइए, हनुमान आनंदोत्सव मनाइए, हनुमान जी की बर्थडे मनाइए, ना कि उनकी जयंती। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज मंगलवार के दिन लखनऊ शहर के सभी मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसे में भक्त दिन भर दर्शन कर सकते हैं। कई मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, सुंदरकांड का पाठ होगा, कई जगहों पर भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।